गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको आउट टेंस सीखे का पार्ट 14 कराने जा रही हूँ। इसके पहले के 13 पार्ट में मैंने प्रेजेंट के जितने भी पार्ट होते हैं वो सब मैंने करा दिए हैं। इसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगी। बच्चों देखो, टेंस के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब इस टाइम का, पास्ट मीन्स बीता हुआ कल, और फ्यूचर मतलब आने वाला कल। अब देखो, पॉजिटिव मतलब होता है जिसमें हाँ में आंसर आए, है ना। सेंटेंस है पहला आपका, मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। मैंने की इंग्लिश लगा दो, और इसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ कर दो, है ना। तो आई टॉट यू, और कल की इंग्लिश होगी यस्टरडे। आने वाले कल की होती है टुमारो, तो आई टॉट यू यस्टरडे। इस लड़की ने आज एक गीत गाया था, दिस गर्ल संग अ सॉन्ग टुडे। फिर हमने कल मैच जीता था, देखो बीते हुए उसकी बात हो रही है ना। वी सेकेंड फॉर्म लगा दो, वी won द मैच yesterday। तुम कल मुंबई गए थे, जाने की इंग्लिश होती है गो, और सेकेंड फॉर्म होती है went। यू went टू मुंबई yesterday। मैं आज बैंक गया था, आई went टू द बैंक today, है ना। स्कूल अगर जाना हो तो कैसे बोलेंगे, आई went टू द स्कूल today, आई went टू द मार्केट today, है ना। फिर ऐसे तुम कल विद्यालय में पढ़े थे, यू विद्यालय में गए थे, यू वेंट टू द स्कूल यस्टरडे। फिर तुम कल खाना खाने गए थे, तुम की इंग्लिश यू, जाने की इंग्लिश वेंट। यू वेंट टू खाने के लिए डिनर, है ना, यू वेंट टू डिनर यस्टरडे। मनोहर ने तुम्हारी साइकिल चलाई थी, मनोहर रोड योर बाइसिकल। फिर देखो, चलाने के लिए राइड होती है, सेकेंड फॉर्म रोड हो गई, जब भी पास्ट होगा तो रोड यूज होगा। मधु ने एक आम खाया था, मधु एट एन मैंगो, ईट की सेकेंड फॉर्म लगा दो, है ना। सतीश ने एक अलमारी खरीदी थी, सतीश खरीदने की इंग्लिश बॉट, सतीश बॉट एन अलमीरा। देखो एन लगा क्योंकि अलमीरा ए से शुरू होती है ना, वॉवेल में एन यूज होता है। विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य किया, द स्टूडेंट। अब पूरा काम करने के लिए, है ना, अब यहाँ पर देखो पूरा काम करने के लिए डिड यूज होता है, सेकेंड फॉर्म, है ना। तो ये डिड है, देखो है, द स्टूडेंट डिड देयर होमवर्क। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डू डिड और डन, तो यहाँ आपको डिड लिखना है, ठीक है, कि द स्टूडेंट्स डिड देयर होमवर्क। मेरी सहेली ने विद्यालय में गीत गाया था, माई फ्रेंड संग अ सॉन्ग। कहाँ पर गाया था, इन स्कूल, आप इन द स्कूल भी लिख सकते हो। हमने आज अपने निबंध लिखे थे, वी रोट, लिखने की सेकंड फॉर्म होती है रोट, वी रोट आवर एसे टुडे। सीता नृत्य करती है, देखो नृत्य करना उसकी आदत है ना, जहाँ पर भी आदत आ जाएगा वहाँ पर यूज्ड टू यूज होगा। सीता यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज्ड टू डांस, ऐसे ही। तो मुझे 5 रुपए देते हो, आपकी आदत थी कि 5 रुपए देते थे, रोज हमेशा देते थे, तो ये आदत हो गई, उसमें भी यूज टू यूज कर दो। यू यूज टू गिव मी 5 रुपीज। इस वे इस बच्चे को सताते थे, दे ट्रेवल दिस किड्स। हमने तुम्हें उद्यान में देखा था, वी सॉ। कहाँ देखा था, वी सॉ यू, तुम्हें, है ना, इन द पार्क। संतोष ने कल एक पुस्तक खरीदी, संतोष बॉट अ बुक। खरीदी कल तो यस्टरडे लगा दो। बच्चों ऐसी चैनल पर आपको क्लास 10th का नगीन प्रकाशन का भी वीडियो डालती हूँ, आप उसको भी जाकर देख लेना। और बच्चों मैं इसमें आपको पूरे टेंस सिखाऊंगी, और उसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ कमेंट बॉक्स में अगर कुछ समझाने का तरीका अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बच्चों।